पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो बार बार कश्मीर का राग अलापते रहते हैं, अब भारत से बातचीत करने की कोशिश में हैं और इसके लिए कश्मीर पर इमरान की हेकड़ी भी कम हो गई है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति भी इमरान के बचाव में आगे आ गए। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की कोशिश में है, लिहाजा विवादित मुद्दों पर जो अकड़ थी वो कम हो गई है। कश्मीर का मसला हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रुख में तेजी से बदलाव आए हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 होने पर पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता रहा था, अब उसके सुर ढीले पड़ गए हैं। अब भारत से पर्दे के पीछे से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कश्मीर को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, जिसका पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कर बचाव किया है। पाकिस्तानी डॉन न्यूज टीवी को एक इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा है, कश्मीर पर पीएम इमरान खान के बयानों में बदलाव कोई यूटर्न नहीं है, बल्कि एक नेता को अपना रवैया हालात के मुताबिक बदलते रहना चाहिए। कई बार लोग बदलाव को यूटर्न कहते हैं, लेकिन बदलते हालात और नई वजहों के अनुसार अपना निर्णय बदलना चाहिए। एक नेता के लिए उनके बोले गए शब्दों को पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह नहीं देखना चाहिए। यहां तक कि मैंने अपने जीवन के कई फैसलों की समीक्षा की है। इमरान खान ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में भी कश्मीर पर राय जाहिर की थी। इमरान ने कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, अगर कश्मीर की पुरानी स्थिति लागू करने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।